मैं हूं रवि कुमार और इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट्सएप हैकिंग के बारे में कि साइबर क्रिमिनल्स और फ्रॉडस्टर आपका व्हाट्सएप अकाउंट कैसे हैक कर लेते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो चुका है? व्हाट्सएप अकाउंट हैक होने से आपको क्या परेशानियाँ आ सकती हैं? अगर आपका अकाउंट हैक हो जाए तो उसे वापस पाने के लिए आपको क्या करना होगा और आपका अकाउंट हैक ही ना हो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? इन सारी चीज़ों को जानेंगे इस वीडियो में, पर उसके पहले देखते हैं इस क्लिप को। एग्जैक्टली क्या हुआ था आपके साथ? तो सर कल मुझे एक कॉल आया, एक मैसेज आया था व्हाट्सएप के ऊपर मेरे कलीग का। उसने मुझसे व्हाट्सएप का कोड मांगा और मुझे ऐसा लगा कि वो हमारा एक वर्क रिलेटेड कोड है, जो एक पोर्टल है उसका कोड है, और मैंने वो कोड उसके साथ शेयर कर दिया। मैंने कोशिश करी उससे पूछने की ये कौन सा कोड है, पर ही उसने मेरे को रिप्लाई नहीं किया। उसके बाद थोड़ी देर के बाद मुझे पता लगा कि उसका व्हाट्सएप हैक था और कोई और उसका व्हाट्सएप यूज़ कर रहा था। तो आपको कैसे पता चला कि आपका व्हाट्सएप कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है? सर सुबह ये कल मुझे मैसेज आया था और मैंने उसको वो कोड शेयर कर दिया था, पर आज सुबह मेरे को एक व्हाट्सएप से कॉल आई। जो कॉल मैंने नहीं उठाई वो व्हाट्सएप के रिकवरी कोड की कॉल थी शायद, और उसके बाद इमीडिएटली मेरा व्हाट्सएप लॉग आउट हो गया। और व्हाट्सएप लॉग आउट होने के बाद मैं अपने व्हाट्सएप में लॉग इन नहीं कर पा रही थी और मुझे रिकवरी कोड रिकवर करने के लिए 7 आवर्स का टाइम व्हाट्सएप दे रहा था और कोई मेरे को कस्टमर केयर और कुछ भी उसके लिए नहीं मिल रहा था। तो फिर आपने इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया? सर उसके बाद इमीडिएटली मेरे दिमाग में ये आया कि मैं डिस्ट्रिक्ट साइबर क्राइम सेल में जाऊँ, क्योंकि और कोई ऑनलाइन हेल्प मुझे नहीं मिल पा रही थी। तो इमीडिएटली मैं वहाँ पे गई और वहाँ पे जाने के बाद मेरे को सजेस्ट किया उन्होंने कि मैं अपना जो सिम है वो दूसरे फ़ोन में डालूँ और फिर वाईफाई के थ्रू अपने व्हाट्सएप को रीइंस्टॉल करके लॉगिन करने की कोशिश करूँ। जब मैंने वो रीइंस्टॉल करके लॉगिन किया तो मुझे रिकवरी कोड टेक्स्ट पे तो नहीं आ रहा था, पर उसकी कॉल के लिए मुझे 20 मिनट्स के लिए वो आ रहा था। और उसके बाद एग्जैक्ट 20 मिनट्स के बाद मेरे को कॉल मी का बटन एनेबल हो गया और वहाँ से मेरे को रिकवरी कोड मिला और मैं अपना व्हाट्सएप पे लॉगिन कर पाई उसके बाद। तो आइए जानते हैं व्हाट्सएप हैकिंग के बारे में कि कैसे साइबर क्रिमिनल्स आपसे OTP मांगकर आपका अकाउंट हैक करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो फ्रॉडस्टर है वो अपने डिवाइस में व्हाट्सएप इंस्टॉल करने की कोशिश करता है और व्हाट्सएप प्रोसेस को, इंस्टॉलेशन प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए फ्रॉडस्टर को एक कोड चाहिए होगा, और वो कोड कहाँ आएगा? वो कोड आएगा आपके डिवाइस पे। इसलिए जो फ्रॉडस्टर है वो किसी न किसी बहाने से आपसे वो कोड जानने की कोशिश करेगा। वो कह सकता है कि वह आपका दोस्त है, वह आपका रिलेटिव है, वह एक पुलिस अधिकारी है, वह एक बैंक मैनेजर है। चाहे फ्रॉडस्टर कोई भी प्ली ले, कोई भी बहाना करे, आपको अपना कोड साझा नहीं करना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि जो कोड का रिक्वेस्ट है वह आपके दोस्त के अकाउंट से आ रहा हो, वह आपके रिलेटिव के अकाउंट से आ रहा हो, तब भी आपको उस कोड को साझा नहीं करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो आपका जो रिलेटिव है, आपके जो दोस्त हैं, उनका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ हो गया हो और उस कॉम्प्रोमाइज़ अकाउंट से आपको रिक्वेस्ट आ रहा है। जब फ्रॉडस्टर आपका अकाउंट हैक कर लेता है उसके बाद आप अपने अकाउंट से खुद ही लॉग आउट हो जाएंगे, आप उसमें लॉग इन भी नहीं कर पाएंगे। और अगर आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट को अनइंस्टॉल करते हैं और दोबारा रीइंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं तब भी आप उसे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके डिवाइस पर OTP नहीं आ रहा होगा। इसके अलावा ज़्यादातर केसेस में फ्रॉडस्टर आपका व्हाट्सएप अकाउंट हैक करते हैं किसी गलत पर्पज़ के लिए, जैसे आगे ठगी मारने के लिए। तो ऐसा हो सकता है कि आपको आपके नियर एंड डियर वंस की तरफ से आपको मैसेज आने लग जाए, कॉल्स आने लग जाए कि आपके व्हाट्सएप अकाउंट से अजीबोगरीब मैसेजेस क्यों आ रहे हैं। लास्टली आप किसी और डिवाइस पर जा सकते हैं जहां आपका व्हाट्सएप चल रहा है और उस डिवाइस से ये चेक कर सकते हैं कि आपका स्टेटस क्या आ रहा है। अगर आपका स्टेटस ऑनलाइन आ रहा है या फिर लास्ट सीन उस ड्यूरेशन में आ रहा है जिस ड्यूरेशन में आपने व्हाट्सएप यूज़ नहीं किया है, तो सीधा सा इसका अर्थ यह है कि फ्रॉडस्टर किसी और जगह से आपका अकाउंट यूज़ कर रहा है। व्हाट्सएप एक ऐसा ऐप है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम काफ़ी सारे पर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं और आप कभी नहीं चाहेंगे कि कोई तीसरा पर्सन उन कम्युनिकेशंस को पढ़े, पर फ्रॉडस्टर आपका अकाउंट हैक करने के बाद उन सभी कम्युनिकेशंस को पढ़ सकता है। ज़्यादातर केसेज में फ्रॉडस्टर आपका अकाउंट हैक करते हैं आगे ठगी करने के लिए, और अगर ऐसा होता है तो पुलिस को ऐसा प्रतीत होगा जैसे ठगी आपके द्वारा की गई हो,
उसी प्रकार फ्रॉस्टर आपके अकाउंट को हैक करने के बाद किसी को ब्लैकमेल भी कर सकता है, आपके नाम पर लोगों से पैसे मांग सकता है। फ्रॉस्टर आपके कॉन्टेक्ट्स को लीड अर्थात गंदे मैसेजेस भेज सकता है, मेलिशियस फाइल्स मेलिशियस एपीकेस का लिंक शेयर कर सकता है या आगे ठगी मारने के लिए ऐप्स डाउनलोड करा सकता है। फ्रॉस्टर आपके अकाउंट का मिसयूज कैसे करेगा या उसके सोच पर निर्भर करता है। काफ़ी सावधानियों के बाद भी अगर आपका WhatsApp अकाउंट हैक हो गया है तो उसे वापस पाने के लिए आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। अब मान लीजिए कि यह वह फ़ोन है जिसमें आपका WhatsApp अकाउंट हैक हो गया है, तो इन स्टेप्स को फॉलो करें। स्टेप वन, इसमें जो WhatsApp अकाउंट है उसे डिलीट कर दें। स्टेप टू, इसमें जो सिम है उसे निकाल कर किसी और फ़ोन में डाल लें। प्रेफरेबली जो दूसरा फ़ोन है वह एक बेसिक फ़ोन होना चाहिए, ऐसा इसलिए क्योंकि ये बेसिक फ़ोन्स अनहैकेबल होते हैं। स्टेप थ्री, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि व्हाट्सएप की तरफ से जो कोड है आपको डिवाइस पे डिलीवर नहीं हो रहा होगा, लेकिन 20 मिनट के बाद आप देखेंगे कि जो कॉल मी का बटन है वो एक्टिव हो जाएगा और उसे प्रेस करने के बाद एक व्हाट्सएप कोड आपको बेसिक फ़ोन पर डिलीवर हो जाएगा। इस कोड को यूज़ करके आप अपने अकाउंट को रीस्टोर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अकाउंट रीस्टोर होने के बाद भी आप उन मैसेजेस को नहीं देख पाएंगे जो फ्रॉडस्टर ने अन्य लोगों को भेजे हैं। उसे जानने के लिए आपको उन्हें कॉल करना पड़ेगा जिन लोगों ने फ्रॉस्टर को रिप्लाई किया था। ऐसा इसलिए ज़रूरी है ताकि आप जान सकें कि किसी ने आपका अकाउंट हैक क्यों किया था। आपका WhatsApp अकाउंट हैक ही ना हो उसके लिए आपको इन प्रिकॉशंस को लेना चाहिए। पहला, जो आपका WhatsApp कोड है उसे किसी भी कीमत पर किसी के साथ भी साझा ना करें। दूसरा, प्ले स्टोर पर काफ़ी सारे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप्स हैं जैसे टीम व्यूअर, एनी डेस्क, क्विक सपोर्ट। इन ऐप्स की मदद से IT प्रोफेशनल्स एक दूसरे के डिवाइस के स्क्रीन्स को देखते हैं। अगर आप इन ऐप्स को इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद जो फ्रॉस्ट है वो आपका OTP आपसे बिना पूछे ही जान सकता है। तीसरा, WhatsApp पे जो सेकेंड स्टेप वेरिफिकेशन है उसे इनेबल कर दें। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे इनेबल करने के बाद अगर कोई फ्रॉस्टर आपका WhatsApp अकाउंट हैक भी कर लेगा तो उसे यूज़ नहीं कर पाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब फ्रॉस्टर उसे अपने डिवाइस पर चलाने की कोशिश करेगा तो WhatsApp उसे वो पासवर्ड पूछेगा, उसे वो पिन पूछेगा जो फ्रॉस्टर को मालूम नहीं होगा। तो आइए इस क्लिप में देखते हैं कि टू स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल कैसे करें। WhatsApp पर टू स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें। स्टेप वन, WhatsApp को ओपन करें। स्टेप टू, अपर राइट कॉर्नर पे जो तीन वर्टिकल डॉट दिख रहे हैं उसको टैप करें। स्टेप थ्री, सेटिंग्स को टैप करें। स्टेप फोर, अकाउंट्स पर क्लिक करें। स्टेप फाइव, टू स्टेप वेरिफिकेशन पर क्लिक करें। स्टेप सिक्स, इनेबल को टैप करें। यहाँ अपना 6-digit पिन को चुनें, उसे दोबारा कंफर्म करें। उसके बाद अपना मेल आईडी डालकर और उसे कंफर्म करके अपना टू स्टेप वेरिफिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करें। दो और तरीके हैं जिससे आपका WhatsApp हैक तो नहीं होगा बट कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। पहला है WhatsApp वेब फीचर। तो WhatsApp वेब फीचर क्या है? इस फीचर का यूज़ करके कोई भी WhatsApp यूज़र अपने WhatsApp को किसी और डिवाइस लाइक लैपटॉप या डेस्कटॉप पर चला सकता है। पर इस फीचर का मिसयूज़ भी हो सकता है। कैसे? जो आपके आसपास रहने वाले लोग हैं जैसे फ्रेंड्स हो गए, फैमिली हो गए, वो आपके WhatsApp को अपने डिवाइस पर चला सकते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका WhatsApp किन डिवाइसेस पे चल रहा है? इसे पता करने के लिए आप अपना WhatsApp ओपन करें। WhatsApp ओपन करने के बाद आपको अपर राइट कॉर्नर में तीन वर्टिकल डॉट्स दिख रहे होंगे, उन डॉट्स पे क्लिक करें। उनको क्लिक करने के बाद तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, WhatsApp वेब, उस पर क्लिक करें। इसको क्लिक करने के बाद अगर आपको लॉग इन डिवाइसेस दिख रहा है तो इसका मतलब है कि आपका WhatsApp किसी और डिवाइस पर भी चल रहा था। अगर ऐसा है तो इमीडिएटली वहां से लॉग आउट कर जाए। दूसरा, अगर आपको वहां पे QR कोड स्कैन करने का ऑप्शन दिख रहा है, इसका मतलब कि आपका WhatsApp सिर्फ आपके डिवाइस पे ही चल रहा है, कहीं और नहीं, और इसका मतलब कि आप सेफ एंड सिक्योर हैं। WhatsApp अकाउंट को कॉम्प्रोमाइज करने का दूसरा तरीका है स्पाई ऐप्स। स्पाई ऐप्स वो ऐप हैं जो आपके डिवाइस में से डेटा को लीक करते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके डिवाइस में स्पाई ऐप इंस्टॉल्ड है या नहीं? इसे पता करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर में से
नेट कैप्चर नामक फ्री ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद जो आप इसको रन करेंगे, एक्सिक्यूट करेंगे, तो ये उन पैकेट्स को कैप्चर करता है जो ऐप्स अपने सर्वर्स को भेज रहे होते हैं। इसलिए अगर आपको डाउट हो रहा है कि कोई आपके ऊपर स्पाई कर रहा है, तो नेट कैप्चर को इंस्टॉल करें और एक्सिक्यूट करें, और उसके बाद आपको कोई ऐसा ऐप दिखाई देता है जिसे आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो उसे अनइंस्टॉल कर दें। मोस्टली स्पाई ऐप्स तब इंस्टॉल किए जाते हैं जब वो आप किसी और को डिवाइस लंबे समय के लिए देते हैं, जैसे मोबाइल रिपेयर करने के लिए। हो सकता है आपने सुना हो कि WhatsApp में कुछ वल्नरेबिलिटी है जिसके वजह से आपका डेटा लीक हो सकता है, हैकर्स आपके चैट्स को पढ़ सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि वल्नरेबिलिटीज क्या होते हैं। जब कोई नया ऐप बनता है, नया सॉफ्टवेयर बनता है, तो उसमें कुछ सिक्योरिटी फ्लॉज रह जाते हैं जिनका फ़ायदा हैकर्स उठाते हैं, उन्हें वल्नरेबिलिटीज कहते हैं, जैसे जीरो डे वल्नरेबिलिटी। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो इन वल्नरेबिलिटीज को रिपोर्ट करने के लिए, खासकर एक्सप्लॉइटेबल वल्नरेबिलिटीज को रिपोर्ट करने के लिए पैसे देती हैं, जैसे ज़ेरोडियम साइट। इन्हीं वल्नरेबिलिटीज को पैच करने के लिए इनके मैन्युफैक्चरर्स समय समय पर अपडेट्स और पैचेज जारी करते हैं। इसलिए व्हाट्सएप की तरफ से जैसे ही नया पैच या अपडेट आता है, आपको उसे तुरंत ही अपने डिवाइस में इंस्टॉल करना चाहिए। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, अलर्ट रहें, सेफ रहें।